नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ सफ़र हुसैन और आप देख रहे हैं एसआर हुसैन नॉलेज। हजरात, आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही प्यारी जानकारी बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि हमारी उंगलियों के क्या क्या नाम होते हैं। जी हजरात, क्या आप जानते हैं अपनी उंगलियों के नाम? हजरात, अगर नहीं जानते तो बने रहे वीडियो के लास्ट तक। चलिए जानते हैं हजरात कि हमारी उंगलियों के क्या क्या नाम होते हैं। लेकिन उससे पहले आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास से लगे बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो हजरात, शुरू करते हैं कि हमारी उंगलियों के क्या क्या नाम होते हैं। तो हजरात, सबसे आखिर वाली उंगली से चालू करते हैं। हमारी जो सबसे आखिर वाली उंगली होती है उसका नाम होता है अमीन, और उससे जो बगल वाली उंगली है उसका नाम है अमानत, और जो हमारी बीच की उंगली है उसका नाम है जन्नत, और जो उससे बगल की उंगली है उस उंगली का नाम शहादत है, और जो हमारा अंगूठा है इसका नाम फ़र्ज़ है। जी हजरात, क्या आप जानते हैं कि इस अंगूठे को फ़र्ज़ क्यों कहा गया है? फ़र्ज़ के बग़ैर सब कुछ अधूरा है। जी हजरात, अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी ना फातिहा कबूल होगी, ना हमारी दुआएं कबूल होंगी, और हम जितने भी नेक अमाल करते हैं वो अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होते। जी हजरात, उसी प्रकार ये जो अंगूठा है हमारा, ये भी फ़र्ज़ है। क्यों? क्योंकि अगर ये अंगूठा नहीं होगा तो हम कोई सा भी काम नहीं कर सकते। अब गौर करिए अपनी उंगलियों पर, आप लिखते हैं तो भी उस अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, आप कुछ पकड़ते हैं तो भी अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, आप एक गिलास पानी पीने के लिए गिलास पकड़ते हैं तो भी आपको अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि हर काम में आपको अंगूठे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इस अंगूठे का नाम फ़र्ज़ है। तो हजरात, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए हजरात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।